नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि TVS Apache जो आती है 164B, उसका माइलेज दिखाऊंगा और इसके माइलेज की मैंने जैसा सिटी के अंदर कितना माइलेज दिया और एक हाईवे के अंदर कितना माइलेज दिया। तो जो वीडियो डाले हुए तो वो डाले हुए मैंने फर्स्ट सर्विस से पहले के, यानी 500 किलोमीटर पे इसकी फर्स्ट सर्विस होती है तो उससे पहले के डाले हैं। तो अब मैं जो वीडियो डालूंगा वो डालूंगा 500 किलोमीटर के बाद, यानी फर्स्ट सर्विस मेरी हो चुकी है और कितने किलोमीटर चली है वो मैं अभी दिखा देता हूँ और उसके बाद की वीडियो यानी। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा डालने का मेन मकसद ये है कि फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज के अंदर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, या उतना ही रहता है, क्या रहता है, तो उस डाउट को क्लियर मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। और जो वीडियो आपने नहीं देखी है फर्स्ट सर्विस से पहले माइलेज के डाले हैं सिटी के और हाईवे के, नहीं देखे हैं तो बेल आइकन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि फर्स्ट सर्विस से पहले कितना माइलेज दिया। लेकिन आज मैं हाईवे के ऊपर बनाऊंगा, यानी हाईवे पे जाऊंगा मैं और लंबा टूर करूंगा। तो अभी मैं फिलहाल में जयपुर सिटी से निकलूंगा और लंबे टूर पे जा रहा हूं। तो अभी फिलहाल में कितने किलोमीटर चल गई वो मैं गाड़ी में दिखा दूंगा। ये मेरी गाड़ी खड़ी, ये मेरा हेलमेट ले रखा है ब्लॉगिंग के, ये पार्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों, वो मैं दिखाता हूँ कि किलोमीटर कितना चल चुकी है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा कि हाईवे पे अर्बन मोड के अंदर कितना दिया है। और इसके अंदर तीन मोड आते हैं, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स। तो तीनों मोडों के मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये जो वीडियो बनाने का एक और मकसद और है कि मैं 80 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर गाड़ी नहीं चलाऊंगा, यानी 80 से पहले चलाऊंगा, 80-70 इसके ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा 80 से। तो इसमें कितना माइलेज में फर्क पड़ता है तो फिर मैं इसके बाद बनाऊंगा कि बाई चांस हम 80 से ऊपर वीडियो बनाते हैं तो उसमें कितना माइलेज देगी, यानी 90 या 100 के आसपास मैं चलाऊं इस गाड़ी को तो उसमें माइलेज में कुछ फर्क पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लाता जाऊंगा मोड के अनुसार, हाईवे, रेन और स्पोर्ट्स, तीन मोड हैं। तो तीनों के मैं वीडियो 80 से नीचे के वाले डालूंगा और तीनों के 80 से ऊपर वाले डालूंगा। तो आप ज़रूर देखना वो ब्लॉग और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना इसका माइलेज एक्यूरेट है उतना बताऊंगा और टंकी बताऊंगा, यानी टंकी में फुल कराऊंगा, फिर जहां भी मैं माइलेज दोबारा नापूंगा तो वहां पे भी टंकी फुल कराऊंगा। तो दोस्तों, आप पेट्रोल पंप पे चलते हैं और एक बार मैं दिखा देता हूं कि कितना किलोमीटर चल चुका। तो दोस्तों, फिलहाल में ये आपकी गाड़ी, ये गाड़ी चल चुकी है। सुबह के 9 PM हो रखी है, टाइम तो खैर ऊपर नीचे हो रखा है लेकिन 9:30 बज चुके हैं, AM हो रखा है यहाँ पे। और टंकी अभी मैं फुल कराऊंगा फिलहाल में। और यहाँ पे 507.6 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप कर लेते हैं एक बार क्या है, तो इसको जीरो करते हैं। पता ही नहीं चल रहा इसका जीरो कैसे होती है। खैर, अपनी तो जो किलोमीटर है वो दिखा देते हैं, मतलब जो किलोमीटर है वो दिखा देता हूँ, मेरे से जीरो नहीं हो रही है। बाकी मैं जीरो करके दिखा देता लेकिन अब क्या करूँ, ये जीरो नहीं हो रही ट्रिप मेरे से। तो दोस्तों, ट्रिप मैंने दिखा दी है, तो अब पेट्रोल पंप पे चलते हैं और पेट्रोल भराते हैं। क्या माइलेज देती है, कितना देगी वो अपन को पता चल जाएगा। मैं अभी पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ और पेट्रोल भराता हूँ। अब फुल टंकी कराएंगे और ये पेट्रोल पंप है सामने जस्ट, तो यहाँ पे हम चलते हैं, किलोमीटर दिखा दूंगा एक बार और अपन एक बार फुल टंकी करा के फिर किलोमीटर नापते हैं। इसमें भैया फुल कर दो आप, जितना भी आता है इसमें। बस फुल हो गई है टंकी, मैंने फुल करा लिया बिल्कुल। अब देख लो, इतना ही कराता हूँ मैं, बाकी ये किलोमीटर देख लो आप कितना चल। 3 लीटर के आसपास आया, नहीं 3 लीटर के आसपास आया। 3 लीटर ये पूरा? हाँ, 3 पॉइंट जो वो 3 लीटर ही माना, 3 लीटर। कितना देना? 334
तो दोस्तों इस तरीके से अब मैं पेट्रोल पंप से निकल चुका हूँ और किलोमीटर एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कितने किलोमीटर चली है। ये देख लो 507.7 किलोमीटर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये समझ लो पेट्रोल पंप से अब निकल चुका हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कितना किलोमीटर चलेगी वो दिखाता हूँ। अब पूरा दिखा देता हूँ एक बार, ट्रिप और दिखा देता हूँ। सारी ट्रिप मेरी 500 ही हो रखी है क्योंकि जीरो मेरे से हो नहीं पा रही, कुल टोटल ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं और मैं कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास चला के और फिर इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, अब मैं निकलता हूँ। और मैं 80 से ऊपर नहीं चलाऊंगा इसको। ये जो माइलेज है मेरा मेन मकसद यही है माइलेज लाने का, कि बहुत से भाई लोगों को डाउट रहता है कि 80 से ऊपर चलाने पे माइलेज कम देगी, यानी जो गाड़ी परफेक्ट माइलेज देगी ना वो कितने किलोमीटर पे, मतलब किस स्पीड पे अपन चलाएं तब अच्छा देगी। तो मैं 80 से नीचे चलाऊंगा, 80 से नीचे यानी 70, 75, 60 यही चलता रहेगा, मतलब मेरा एक जो रोटेशन है माइलेज का तो यही चलता रहेगा। और अभी देखो मैं हाईवे पे जा रहा हूँ फिर, और माइलेज आप ये पूरा वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा कि माइलेज क्या दे रही है क्या नहीं दे रही। और इसका मेन मकसद आपको मैंने बता ही दिया कि अर्बन मोड पे और हो रखी है दोस्तों, इसको भी देख लो अर्बन मोड पे, ये माइलेज दिखा रहा हूँ मैं जो भी दिखा रहा हूँ। स्टार्ट कर दिए और किलोमीटर में दिखाई दिए इसमें, और कितने बज के कितने मिनट हो गए, लेट हो गया आज थोड़ा कोहरा के कारण। कोहरा नहीं होता तो हम जल्दी पहुंच जाते शायद, और जल्दी अपन 100 किलोमीटर कवर कर लेते, क्योंकि 100 किलोमीटर कम से कम डेढ़ घंटे का रास्ता मान लेते। लेकिन मैं 9:30 बजे मुझे आइडिया नहीं है कितनी बजे जयपुर से निकला था। बाकी अब जो भी पेट्रोल पंप यहाँ पे आएगा पास पास में तो अपन पेट्रोल भराएंगे और गाड़ी में देखेंगे फिर कितना मतलब लीटर का मतलब दिया एवरेज। अब आगे देखते चलते हैं पेट्रोल भराएंगे। अब शायद पेट्रोल पंप दिख रहा है मुझे, शायद उसका बोर्ड दिख रहा है तो आ सकता है पेट्रोल पंप। तो देखा जाए तो वैसे मैंने 507 किलोमीटर पे स्टार्ट की थी और 607 होने वाले, तो यानी 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। तो अब पेट्रोल पंप शायद इधर दिख रहा है मुझे, अपन की इधर की साइड है तो इसमें बताते देखते हैं कि साधन तो नहीं है। अब इस पेट्रोल पंप पे अपन पेट्रोल भराएंगे, देखते हैं कितना माइलेज देगी और क्या होगा। इसमें भैया जितना फुल आता है ना उतना कर दो, वैसे कम ही आएगा ऊपर से डालना। और बढ़ दो थोड़ा सा, मतलब उठना दो इसको। बस अब हो चुका है, अपन की उफन चुकी है टंकी। मतलब मैंने जयपुर में डलाया था वो भी इतना ही डलाया था, टंकी ओवरलोड हो गई थी, बस हो गया हाँ कर दूंगा 30 कर दो 30 कर दो आप, बस हो गया। ये देख लो मतलब 230 रुपए का डला है और 2.10 का लीटर आया है। दो लीटर में जयपुर से आ गया। हाँ 2 लीटर में जयपुर से आ गया। 50 का दे रही है ज्यादा भरा ली नीचे ऐसा, वो मैंने एवरेज बताने के लिए भराया है क्योंकि पहले भी मैंने फुल कराई थी।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं किलोमीटर दिखा देता हूँ और कितनी 11 बज के, मतलब 11:30 बज चुके हैं और किलोमीटर दिखा देता हूँ, 606.4 किलोमीटर चली है। और अपन ने स्टार्ट की थी 507 किलोमीटर के आसपास स्टार्ट की थी, यानी इसने हाईवे पे अर्बन मोड के अंदर 50 का एवरेज निकाल के दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने क्या है, हाईवे पे गाड़ी चली है और 80 के आसपास गाड़ी चली है, 80 75 और 70 के आसपास गाड़ी चली है, यानी 70 के और 80 के बीच में गाड़ी चलाई थी मैंने, और जो माइलेज निकाल के दिया है फिक्स 50 का दिया है मैंने, फुल टंकी करा दी है। तो उन्होंने थोड़ा क्या है, पेट्रोल पंप वालों ने थोड़ा ओवरलोड और कर दी थी, तो 10-20 रुपये का फैल भी गया था। तो इस कारण अपन जो निकाल के दें कि अर्बन मोड के अंदर आप 80 के आसपास गाड़ी चलाओगे और हाईवे पे चलाओगे तो आपको 50 का माइलेज आराम से निकाल के देगी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपने इस गाड़ी के और बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ बेल आइकन तक को दबा लेना, जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो भी आपको मिल जाएंगे, और वो भी जो मैंने डाल चुका हूँ वो भी वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो इस तरीके से दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।